हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मेरी सासू माँ के साथ। तो आप देख सकते हैं आज मकर संक्रांति है, तो भाई तिल पपड़ी बनाना तो बनता है। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह का ये टाइम है, तो आज मेरी सासू माँ ही तिल पपड़ी को बना रहे हैं। तो कढ़ाई के अंदर तिल को थोड़ा हल्का हल्का भून लेंगे, उसकी जो तिल की सिकाई है वो थोड़ी कर लेंगे। उसके बाद में जो गुड़ होता है उसे पिघाल कर उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जो तिल पपड़ी वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो भी आप देख सकते हैं जो मेरी सास है वो तिल पपड़ी बना रहे हैं। सुबह सुबह का ये टाइम है। जो गुड़ है वो पूरी तरह से नहीं पिघला है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी अगर ऐड कर देंगे तो आप देख सकते हैं गुड़ भी अच्छे से पिघल जाएगा। तो और जो तिल है सीके हुए उसके अंदर फिर उसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए पूरी तरह से जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल चुका है। तो इसे थोड़ा सा और उकाल लेंगे। ये देखिए पूरी तरह से थोड़ा सा और उकल जाने के बाद जो तिल है जिसकी सिकाई करी थी थोड़ा थोड़ा भून कर रखा था उसे उसमें मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से जो तिल पपड़ी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो भैया आज तो हमारी सासू माई जो है तिल पपड़ी को बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमारी तिल पपड़ी तो बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी जो सासू माँ है उन्होंने तिल पपड़ी को तो बना लिया है। और इसके साथ ही जो आप देख सकते हैं मूंगफली के दानों की भी, जो गुड़ और मूंगफली के दाने होते हैं उसकी भी आज बनाई है। ये देखिए तो उसके बाद में आप देख सकते हैं ज्वार की रोटी हमारी सास हमारे लिए बना रहे हैं। और आज सबकी फरमाइश थी कि ज्वार की रोटी बनाए, तो देखिए मेरी सास जो है ज्वार की रोटी बना रही। भाई अगर सास अच्छी हो ना तो बहू का तो सोने पे सुहागा वाली बात जो है ना सच हो जाए। तो भाई आज पूरा दिन जो है मेरी सास ही आज काम कर रहे हैं, तिल पापड़ी बनाए, उसके बाद में खाना भी बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं ज्वार की रोटी आज बना रहे हैं और उड़द की दाल खाने में, आज उड़द की दाल और ज्वार की रोटी बन रहे। तो ये कि हमारी ज्वार की रोटी भी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं घर की छत पर भी मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाना भी बनता है। तो देखिए घर के जो बच्चे हैं और घर के बड़े हैं वो सभी छत पर इकट्ठा हो गए पतंग उड़ाने के लिए। दोस्तों दोपहर का टाइम है और आप देख सकते हैं पौधे वाला बेचने वाले भी आया है। तो आज हम कुछ पौधे खरीदने वाले हैं। भैया आज हम दोनों सास बहू को जो है पौधे खरीदने का और लगाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पौधे हैं यहाँ पर। तो चलिए कुछ पौधे हैं तो हम यहाँ पर ख़रीदारी कर लेते हैं। और आज की पौधों की ख़रीदारी मैं अपनी सासू माँ के पसंद से ही करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ पौधे हमने खरीदे जो मेरी सास को ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पौधों की खरीदारी है। जो गली गली घूमते हैं घर बैठे बेचने के लिए आते हैं उन्हीं से मैंने इन्हें परचेज़ किया है। भाई नर्सरी से भी सस्ते घर बैठे ही हमें ये पौधे मिल गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी सभी जो पौधे आज खरीदे मेरी सास के पसंद से ही मैंने खरीदे। आप देख सकते हैं दांतन के कुछ फूलों वाले हैं और गुलाब के तो भाई मेरी सास को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो गुलाब के तो पौधा जो है हमने गुलाब के पौधे भी खरीदे हैं। तो चलिए मैं एक एक करके बताती हूँ प्राइस के साथ के कौन कौन से पौधे क्या प्राइस में खरीदे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बटर गुलाब, ये देखिए पिंक कलर का गुलाब है, छोटे छोटे से गुलाब इसमें आते हैं। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है, काफ़ी हरा भरा है। और ये देखिए इसमें कलियां भी काफ़ी सारी है। तो इस तरह से गुच्छों में जो इसमें फ्लावर आएंगे, छोटे छोटे से जो गुलाब के होते हैं वो आएंगे इसमें, बटर गुलाब इसे कहते हैं। तो ये 80 रुपये में इसे परचेज़ किया है, ये भी लाल मिट्टी में है। और इसके बाद ये देखिए ऑरेंज कलर के फ्लावर इसमें आएंगे और ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, ये देखिए काफ़ी हेल्दी है, इसे भी हमने 80 रुपये में परचेज़ किया है। इसके बाद ये नींबू का जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 130 रुपये में परचेज़ किया है। भाई थोड़ा मोल भाव तो करना पड़ता है, मोल भाव करने के बाद का ही प्राइस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए ये इंडोर प्लांट है, ये 100 रुपीज़ में परचेज़ किया है। और आप देख सकते हैं ये इस तरह से जो है घना होता जाएगा। और ये कुछ इंडोर प्लांट है जो आप देख सकते हैं, इनकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत लगती है। वैसे भी ये पौधे जो है मेरे पास नहीं थे, ये देखिए काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। ये 40 रुपीज़ 40 रुपये में दोनों प्लांट जो है खरीदे हैं। भाई घर बैठे भी नर्सरी से भी सस्ते और अच्छे प्लांट जो है हमें यहाँ मिल गए। और ये देखिए पेटूनिया का वाइट कलर का जो फ्लावर देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा घना है और काफ़ी हेल्दी कंडीशन में। ये देखिए ऊपर उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए काफ़ी घना भी है और ये 35-35 रुपये में इसे मैंने परचेज़ किया। और अब ये देखिए दायथन्स के 3 प्लांट है जो अलग अलग कलर के हैं। तो आप देख सकते हैं दायथन्स के भी जो प्लांट है, ये देखिए एक पिंक डार्क पिंक है, दूसरा लाइट पिंक है, और ये देखिए ये कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये बहुत ही तीनों पौधे काफ़ी खूबसूरत लगे थे, ये 35 रुपीज़ में परचेज़ किया है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना दोस्तों पेटूनिया,
ये तो पौधे वाले ने ऐसे ही मुझे दिया है, गिफ्ट दिया है। और अभी आप ये जो बेल देख रहे हैं ना दोस्तों, इसका जो प्राइस है आप विश्वास नहीं करोगे, इसका प्राइस सुनकर दोस्तों ये मैंने सिर्फ 40 रुपये में मैंने इसे परचेज़ किया है, जो पान की बेल है। तो भाई ये सारे पौधे आज की हमारी जो ख़रीदारी है मकर संक्रांति पर, हम दोनों स्वास्थ्य बहू की जो पौधों की ख़रीदारी है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, नर्सरी से भी सस्ते और कम प्राइस में हमने इन पौधों को ख़रीदा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे और खूबसूरत पौधे हैं। भाई शाम हो चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं, बट अभी आप देख सकते हैं जो पतंग का क्रेज़ है ना, किसी का भी कम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं छत पर काफ़ी सारी पतंग यहाँ पर उड़ रही है। तो ये देखिए शाम के 6 बज चुके हैं, बट पतंग का देखिए, आप देख सकते हैं सभी जो है अपनी अपनी छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो भाई पतंग उड़ाने का जो मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का जो शौक़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं पूरी छत पर पतंग ही पतंग आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।